अस्सलामुअलैकुम भाई, रात को हम स्कर्दू पहुँचे थे और सुबह उठते ही हमारा प्लान था कोल्ड डेजर्ट का, तो हमने जहाँ से जीप करवा ली थी। अली भाई यार कैसे है आप लोग? कैसे जी? अलहमदिल्ला, आप सुनाए भाई, क्या हाल चाल? जी अलहमदिल्ला। ये जी हम नाश्ता कर रहे हैं और यहाँ स्कर्दू में, यहाँ से हम निकल रहे हैं मटोका वाटरफॉल और कोल्ड डेजर्ट की तरफ। ये हमारा टूर का लास्ट डे भाई। काफ़ी सारे कपड़े कपाने के बाद हमें जो जीप मिली उसके साथ हमारा 5,000 फाइनल हुआ था। वो स्कर्दू से लेके हमें कोल्ड डेजर्ट जाएगी और कोल्ड डेजर्ट में हमारे विज़िट करने के बाद, टाइम स्पेंड करने के बाद हमें वापस स्कर्दू छोड़ देगी। तरफ एंटर होते हुए इतना खूबसूरत पुल बनाया गया है, एक साथ पुराने वाला और एक न्यू वाला। वेलकम टू द लैंड ऑफ केटू। ये रास्ता केटू को भी जाता है, बेस कैंप की तरफ कनकोडिया। कहते बाबा बता रहे हैं, जो हमारे साथ ड्राइवर है वो बता रहे हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं वर्ल्ड हाईएस्ट डेजर्ट में, जो स्कर्दू से 5 मिनट की राइड पे मौजूद है। इसमें आपको डराना होगा कितना रश लगा हुआ है, दुनिया भर से लोग आते हैं। इसमें हॉर्स राइडिंग, डर्ट बाइक, इसके अलावा जीप रैली और पैराग्लाइडिंग भी होती है। यार यहाँ पे आके इतना मज़ा आता है ना, यहाँ ऊपर जा रहे हैं वो देखें, साइड पर दिखाएं जरा, वो देखें दोस्त जा रहे हैं ऊपर, बहुत बड़ा डेजर्ट है। आ जाओ हमारे साथ, आपको डेजर्ट दिखाते हैं, ये बहुत बड़ा डेजर्ट है। यस लेट्स गो। ये है जी कोल्ड डेजर्ट, दुनिया का हाईएस्ट डेजर्ट। अब हम आगे जा रहे हैं, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग है, डर्ट बाइक है, जीप रैली है। यहाँ के अगर रेट्स की बात करें तो पैराग्लाइडिंग के लिए हमें 12,000 पे करना पड़ता है और ये टोटल राइड होती है 6 मिनट की, और इसके लिए हमें लाइन में लगना पड़ता है। इतना ज़्यादा रश होता है कि आप सुबह हैं तो 3-4 घंटे 5 घंटे वेट करने के बाद आपकी बारी आती है। इसके बाद अगर आप जीप रैली करना चाहें तो जीप की जो है एक राउंड लगाती है जीप, और उसके 10,000 रुपये चार्जेस हैं। अगर आप किसी के रेफरेंस से हैं या किसी दोस्त को बीच में लेके आए जो वहाँ का रहशी है, या आपकी जो जीप वाला है जिससे आप स्कर्दू से डेजर्ट में आएँ, तो उनको बीच में डाल के आप 2,000 कम करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। डर्ट बाइक, ATV और हॉर्स राइड की जो टिकट है वो है 2,000 की। तो वो उसमें आपने एक ही पूरे डेजर्ट का राउंड लगाना आता है, उसके बाद फिनिश। तो ये 3 से 4 मिनट की राइड होती है। दोस्तों के साथ डेजर्ट में काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद हम वापसी की तरफ चले, तो
वहाँ पर डिस्कवर पाकिस्तान की टीम, कुछ फॉरनर्स जो कि टू एक्सप्लोर टीम के नाम से मौजूद थे, उनका इंटरव्यू कर रहे थे। उसको एंजॉय किया, फिर अपनी मेमोरीज समेटी और वापस कर्दो की तरफ चल पड़े। Thank you.